ऐसा भाई जी, माशाल्लाह जितने आप प्यारे हैं, मसलन गोल्डन सेव लग रहे हैं, ये कुछ बताएं हमें भी, ताकि हमारे भी रंगत ऐसी हो जाए, ऐसे प्यारे लगे। फेयर एंड लवली क्रीम लगाया करो। वेलकम बैक फैसल साहब, आप पहले डिप्टी स्पीकर भी रहे जी, कौन सी जॉब ज्यादा अच्छी लगी आपको, वो या जो अभी कर रहे हैं? हर जॉब का अपना ही नहीं, लेकिन फिर भी एक कुछ पर्सनल, एक कुछ एक लाइकिंग होती है और मे बी कंफर्ट लेवल होता है। देखें, डिप्टी स्पीकर की जॉब डिसीजन डिफरेंट थी, वो आप एक पार्लियामेंट हाउस को, मतलब एक नेशनल असेंबली को चलाते थे, और इस जॉब में जो पॉवर्टी एलिवेशन है और स्पेशली जो इसमें बेनिजिंग सपोर्ट प्रोग्राम का है, इसमें एक ये है कि इसमें आप लोगों की इसमें खिदमत कर सकते हैं, और ख़ासकर इसमें बहुत स्कोप है मौजूद है। इस वक्त जो है हमारे पास तकरीबन 8.5 मिलियन 85 लाख बेनिफिशरी हैं बेनिजिंग सपोर्ट प्रोग्राम के, और अभी हम एक और डायनेमिक सर्वे करने जा रहे हैं। बल्कि एक इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हमने जो पिछले हफ्ते 10 दिन पहले शुरू की, वो हमारा ये था कि हमारे जितने भी फौजा सरा कम्युनिटी, हमने उसको BSP का बेनिफिशरी बनाने जा रहे हैं। अगर वो अपना आईडी कार्ड नादरें बनाएंगे तो हम उनका बेनिफिशरी बनाए जा रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ है, ये मैं समझता हूँ डिप्टी स्पीकर का अपना एक है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल की वो है, और ये जो है गरीब लोगों की खिदमत का एक है कि उसमें अगर जेन्युइन लोग ऐड हो जाएँ और उनको आप सपोर्ट दें, तो मैं समझता हूँ वो गरीब खवातीन जो कि देहातों में रहती हैं, वो आपको अगर दुआएँ भी दें तो आपके लिए बहुत। वैसे जनरली तो आपके हमेशा अपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट हैं हम, मगर अब इस वक्त वो शहबाज शरीफ साहब आपके बॉस भी हैं, तो हाउ इज ही एज अ बॉस? देखिए, हम कोलिजन हुकूमत में मेरा बॉस तो बिलावल साहब ही हैं, मगर फिर भी प्राइम मिनिस्टर तो है ना कैबिनेट में। हम एलाइज हैं, 10-12 जमातें एलाइज हैं, और हमारी एक अच्छी कोलिजन हुकूमत जा रही है, ही इज डिसेंट मैन। सही लगा उनका तरीकेकार काम करने का आपको? जो काम हो कहते हैं जल्दी कंप्लीट हो, और अच्छी बात है कि अगर काम आप एक शुरू करें उसको जल्दी कंप्लीट करें तो उसमें फायदा भी है। नॉर्मली पाकिस्तान में होता है कि आप आज प्रोजेक्ट शुरू करते हो और 10-12 साल नहीं होता, तो चीज़ें एक जिंदगी एक तजर्बा है, तो तजर्बे मुख्तलिफ तजर्बात से आप गुजरते हैं। तो ये आपके ख्याल से हम तजर्बे से गुजर रहे हैं सारे? नहीं, आप देखिए पॉलिटिक्स में आप रोजाना नई चीज़ सीखते हैं। ऐसा भाई जी, माशाल्लाह जितने आप प्यारे हैं, मसलन गोल्डन सेव लग रहे हैं, ये कुछ बताएं हमें भी, ताकि हमारे भी रंगत ऐसी हो जाए, ऐसे प्यारे लगे। फेयर एंड लवली क्रीम लगाया करो। आपने इनको तो खैर लकब देके साइड पे कर दिया, मगर अदरवाइज यू डोंट थिंक कि कोई सर्टेन टाइप का फेस होता है, इट्स जस्ट समवन हु नीड्स टू हैव स्ट्रांग एक्सप्रेशंस। यस, फैसल साहब लगते हैं मॉडल, ये कर सकते हैं, एक्टर लगते हैं। एक्ट, ओए होए, लाओ ये कॉम्प्लीमेंट पहली बार मिला या सुना हुआ पहले भी कहीं? सियासतदान तो सारे एक्टर होते हैं। अब हम शाम को जब रात को आपके चैनल से बैठे होते हैं, सारी रात एक्टिंग करते हैं, टॉक शोज करते हैं, ये भी एक्टिंग से काम तो नहीं है। और खास तौर पे कि कई बार मुझे जो एक बड़ा एक अजीब सी बात लगती है, कई बार बहुत सख्त हो जाते हैं कुछ पॉलिटिशियंस आपस में एक दूसरे के साथ, और फिर वो बाद में मैं सोचता हूँ ये मिलते कैसे होंगे एक दूसरे को? नहीं होना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझता हूँ कि देना चाहिए, ठीक हो गलत हो, लेकिन एक दूसरे में बर्दाश्त होना चाहिए सुनने की। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर दे रहा हूँ, मैं गलत दे रहा हूँ, आप सुन लें उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, इसमें लड़ने की क्या बात है? हाँ, मगर वो जो लड़ लेते हैं उसके बाद फिर वो सुलह कैसे करते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एंकर जो कंडक्ट कर होते हैं, वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए भी कुछ कर रहे होते हैं। कुछ नॉर्मली आजकल अनफॉर्चुनेटली कुछ पार्टियों में ये भी है कि वो कितना बदतमीज़ है उसके नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं। ये भी एक बड़ा आपने सही कहा, एक होता है, और वो मुझे हमेशा ये लगा है कि वो जो बदतमीज़ी वाला एलिमेंट है वो ज्यादातर अपने आप को पार्टी लीडरशिप के सामने प्रोमिनेंट करने के लिए किया जाता है। आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, मुझे ऐसा फील होता है कई बार कि वो फिर वो वाला क्लिप आप सेंड भी करते हैं कि देखे सर मैंने कैसा डिफेंड किया आपको। हमारी पार्टी में कम से कम हमें ये तरबियत नहीं दी गई, और ना ऐसा हुआ है कि कभी हम किसी की जाती जिंदगी पे कोई कमेंट करें या प्रेस टॉक करें या इस किस्म की, हमें कम से कम हमने ऐसे नहीं किया। एक दो वाकयात ऐसे हुए हैं जिसकी मिसाल आपने देखी होगी हमारी पार्टी में, और फिर उस शख्स को अगले से माफी भी मांगनी पड़ी, माफी भी मांगनी पड़ी थी। आपका फिल्मों में काम करने का शौक भी पूरा हो जाएगा, हमारे पास प्रोड्यूसर हैं गंजे लीला बंसाली साहब। वगैरह का भी शौक रखती हैं? जी हाँ, बहुत ज्यादा। कितना को ज्यादा? बोरी भर के काफी ज्यादा, शायद ज्यादा। अच्छा, उससे भी ज्यादा। तो आपने फिर एक्टिंग से स्टार्ट क्यों नहीं किया, मॉडलिंग क्यों कर ली? मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया है खाबर रियाज ने, तो वो तो फैशन इंडस्ट्री के लेजेंड हैं, तो उन्होंने मुझे मॉडलिंग में पहले किया कि अपना फ्यूचर और ना करियर जो है मॉडलिंग में स्ट्रॉन्ग करो,
फिर एक्टिंग में मूव करना। लेकिन आप एक्टिंग करना, मुझे लगता है कि मुझे एक्टिंग में मूव करना चाहिए बिकॉज़ आई कांट होल्ड एनी मोर। यू कांट होल्ड एनी मोर, ओए यानी कि ये आपको कब से एक्टिंग का इस किस्म का जज्बा है? एक्टिंग का तो बचपन से शौक है, लेकिन मॉडलिंग का शौक। कौन आपके कोई फेवरेट एक्टर्स जिनको आप देखती हो? उमाइमा मलिक। उमाइमा मलिक आपको पसंद है? आपका फिल्मों में काम करने का शौक भी पूरा हो जाएगा। हमारे पास प्रोड्यूसर है गंजे लीला बंसाली साहब, फिल्म शुरू कर रहे हैं, ये तो आपको कास्ट करेंगे। आपने कहा कि उमाइमा आपको पसंद है, आपने भी मौला जट देखी उनकी? जी जी, मैंने मौला जट देखी है और मैंने उसमें उमाइमा को बहुत ज्यादा फॉलो किया है और मुझे बहुत पसंद। अच्छा, उसमें तो कहीं इधर उधर ज्यादा गई नहीं थी, आपने कहा फॉलो करती रही उनको? मौला जट के बाद मेरी और ज्यादा फेवरेट हो गई है। अच्छा, और ज्यादा फेवरेट। और इनके अलावा भी कोई है या सिर्फ एक उमाइमा ही 22 करोड़ में से निकली इस फिल्म में? तो नहीं, इसमें चले ठीक है वो हो गई, बाकी कोई और है? पाकिस्तान में ऐसे मुझे सबा कमर बहुत पसंद है। सबा कमर भी आपको पसंद है? बहुत बहुत ज्यादा। तो कोई ऐसा कोई आप करना, आप क्या ड्रामा करना चाहेंगी या फिल्म करना चाहती हैं? क्या? मैं फिल्म करना चाहती हूँ। और किस किस्म की फिल्म? मौला जट टाइप फिल्म। मौला जट टाइप एक्शन वाली फिल्म। मौला जट आपने सही देखी, पूरी फिल्म देखी? यस, पूरी देखी। उधर से जिन्ने भी कोड़े इन्होंने किराए दे देते थे। माम जी, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल वैसे के वैसे ही। आप बताइए, आपने प्रोग्राम देखा हुआ है? जी हाँ। आपको अंदाजा है? जी जी। उसके बावजूद आप आ गई? मुझे खतरों से खेलने का शौक है। अरे वाह वाह, खतरों से खेलने का। एक चीज तो बड़ी ऑब्वियस हो कि हमने नोट किया आपके अंदर आते है कि आपकी हाइट माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। कितनी हाइट है आपकी? 5'10" वाह वाह। और ये आप अकेली की है या आपके खानदान में? पूरे खानदान में बहुत सभी लंबे हैं। अच्छा, सभी लंबे हैं, सिर्फ आप अकेली नहीं हैं। इन्होंने तो मोहल्ले से जाना पर रक्षा वाले ने कही था भाई ये लंबे आदे मोहल्ले जाना। 5'10" हाइट है आपकी जी। वाज दैट द रीजन कि आप मॉडलिंग की तरफ गईं? नहीं, आजकल मॉडलिंग के लिए हाइट इतनी मैटर नहीं करती, फेस स्ट्रांग होना चाहिए। लुक स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग फेस क्या होता है? आपको पोजिंग आनी चाहिए, एक्सप्रेशंस आपके स्ट्रांग हो तो आप। एक्सप्रेशन स्ट्रांग हो और पोजिंग आनी चाहिए, उसके अंदर बाकी शक्ल का कोई काम नहीं, जैसी शक्ल भी हो। मतलब शक्ल से ही करनी है। अगर कोई खास कोई शक्ल होती है जिसके ऊपर ये आती है चीजें या कोई भी मतलब करनी पड़ती है अपने अंदर, मतलब ये स्ट्रांग फेस आप कहेंगे? हमें हाँ। तो खैर ये बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग लगती है। मास्टर ऑफ लाफ्टर हैं। मास्टर ऑफ लाफ्टर हैं ये? यस। बीमारी का नाम था सर, बीमारी। आपने इनको तो खैर लकब देके साइड पे कर दिया, बट अदरवाइज यू डोंट थिंक कि कोई सर्टेन टाइप का फेस होता है, इट्स जस्ट समवन हु नीड्स टू हैव स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस। यस। फैसल साहब लगते हैं मॉडल, ये कर सकते हैं? एक्टर लगते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट पहली बार मिला है या सुना हुआ पहले भी कहीं? सियासतदान तो सारे एक्टर होते हैं। अब हम शाम को जब रात को आपके चैनल से बैठे होते हैं, सारी रात एक्टिंग करते हैं, टॉक शोज करते हैं, ये भी एक्टिंग से काम तो नहीं है? और खास तौर पे कि कई बार मुझे जो एक बड़ा एक अजीब सी बात लगती है, कई बार बहुत सख्त हो जाते हैं कुछ पॉलिटिशियंस आपस में एक दूसरे के साथ, और फिर वो बाद में मैं सोचता हूँ ये मिलते कैसे होंगे एक दूसरे को? नहीं होना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझता हूँ कि देना चाहिए, ठीक हो गलत हो, लेकिन एक दूसरे में बर्दाश्त होना चाहिए सुनने की। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर दे रहा हूँ, मैं गलत दे रहा हूँ, आप सुन लें उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, इसमें लड़ने की क्या बात है?